तेरागास थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाकोल पंचायत के कुट्टी गमरिया के निकट क्षतिग्रस्त कलवट के डायवर्सन में गिट्टी से लदे ट्रक का अचानक अनियंत्रित होकर मारी पलटी, वहीं कोई हताहत की खबर नहीं। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक गिट्टी से लदे ट्रक कलियागंज से गमरिया के तरफ जा रहा था। इसी बीच कुट्टी गमरिया के निकट क्षतिग्रस्त कलवट के डायवर्सन में अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। वहीं आपको बता दें कि भीषण बाढ़ आने के कारण कलवट क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ग्रामीणों द्वारा एवं विभाग के द्वारा कलवट के निकट डायवर्सन बना दिया गया था। वहीं अचानक गिट्टी से लदे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां हादसे में कोई हताहत की खबर नहीं। टेढ़ागास थाना परिसर में होली व शबे बारात पर्व में शांति व्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। अंचल अधिकारी अजय चौधरी ने कहा कि होली में असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। होली के दिन डीजे, लाउड स्पीकर व अश्लीलता गीतों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। असामाजिक तत्वों की खबर प्रशासन को देने में सभी सहयोग करें। थाना अध्यक्ष तरुण कुमार तरुणेश ने कहा कि सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलजुल कर सभी पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया है। यह सामाजिक समरसता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हम सभी को मिलजुल कर इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। मौके पर अंचल अधिकारी अजय चौधरी, जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल शमसी के साथ सांसद प्रतिनिधि हसन रजा एवं 12 पंचायतों के मुखिया सरपंच मौजूद रहे। टेढ़ागास प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चिलड़िया पंचायत के कुवारी करिलेटा में कर्मित मध्य विद्यालय परिसर में उच्च विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे पंचायत के बच्चों को उच्च विद्यालय में पढ़ने में सुनहरा मौका मिलेगा। उच्च विद्यालय भवन बनने से ग्रामीणों में उत्साह है। बताते चलें कि उत्कर्मित मध्य विद्यालय में पिछले 5 वर्षों से विद्यालय भवन बनने का कार्य रुका हुआ था। कुछ जमीन की समस्याओं की वजह से कार्य में रुकावट हो रही थी। फिर से पुनः भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।